हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ मेरी दुकान के इयर रिंग्स शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर बताना कि कैसे लगे आप सभी लोगों को, जो कि मैं न्यू लेके आई हूँ। कुछ इसमें थोड़े पहले के भी हैं जो बिक चुके हैं, तो एक एक करके मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये मैंने सारे निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं, ये है झुमके। फर्स्ट ये है, उसके बाद सेकंड ये, ये इस टाइप के हैं। ऊपर बाली है और नीचे ये डिज़ाइन है। उसके बाद अगेन जो अभी दिखाए थे उसी की ये डिज़ाइन है, थोड़ी सी ये लंबाई में है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद ये है सुई धागा। अगेन एक और सुई धागा देख सकते हैं, और भी हैं देख, एक ये हैं। उसके बाद एक ये, उसके बाद एक ये, इनकी डिज़ाइन देखिएगा आप, बहुत ही सुंदर लग रही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बाली वो झुमके टाइप में है। उसके बाद ये बुढ़े लोग नहीं पहनती, वो औरतें, ये फूल बोलते हैं इनको हमारे इधर, तो वो हैं ये। अगेन एक और है, उसके बाद ये गर्ल्स के लिए है, देख सकते हैं आप, ये बाली और उसमें एक ये नीचे बना हुआ है लटकन जैसा। उसके बाद ये है देख सकते हैं आप, तो ये कितना अच्छा लग रहा है देखना, इसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लग रही है। ये आर्टिफिशियल इयर रिंग्स है। उसके बाद एक ये है, ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद एक ये डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप ये। उसके बाद अगेन एक ये, उसके बाद एक ये डिज़ाइन है, ये भी बहुत अच्छी डिज़ाइन लग रही है। ये है झाले। उसके बाद एक ये डिज़ाइन है, ये भी अगेन झाला है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगेन एक और हैं ये झाले, ये इनकी डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है।
उसके बाद अगेन एक और झाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद एक ये हैं, ये देखिए आप लोग, इसकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद एक ये डिज़ाइन है, उसके बाद एक ये है, उसके बाद एक ये डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप लोग, ये भी अगेन बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की यहीं तक थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। तो फिर देख सकते हैं ये मैंने पास्ते को उबाल लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बच्चे बिल्कुल सिंपल ही खाते हैं, कुछ नहीं, बस इसमें जीरा से मैं इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद सॉस डाल दूँगी, और सॉस डालने के बाद बस वही पास्ता मसाला, और कुछ नहीं इसमें डालते, बच्चे खाते ही नहीं हैं, बस वो सिंपल ही खाते हैं, ना टमाटर कुछ नहीं इसमें डालने देते हैं। तो दिखाती हूँ आप सभी को बना के। तो देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने जीरा डाल के फ्राई कर दिया है, और अब इसमें डाल रही हूँ ये पास्ता मसाला। मैंने दो तीन बार बनाया भी बच्चों के लिए, वो टमाटर वगैरह डाल के, लेकिन वो खाते ही नहीं है, सब फेंकना पड़ता है, तो फिर उसकी वजह से फिर मैंने अब वो इस तरीके से खा लेते हैं। ये डाल दिए मैंने सॉस, बस इसको मिक्स कर देंगे, और कुछ नहीं, बस हो गया हमारा ये सिंपल सा पास्ता रेडी। देख सकते हैं आप, ये भी अच्छा लगता है खाने में, नमक वगैरह मैंने अभी डाल दिया था इसमें, सभी चीज़ें इसमें डाल गई हैं। तो दिखाती हूँ मैं बच्चों को, दे देती हूँ, देखिए ये हो गया रेडी, और मैंने बच्चों को दे भी दिया है, कर दिया उनके प्लेट में, बस देने जा रही हूँ। तो देखिए ये यम्मी सा माइक्रोनी पास्ता हमारा रेडी है, ये भी अच्छा लगता है खाने में, मैंने खा के देखा है, बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके का।